तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय सेल्फ जितिन कुमार। और जैसे कि यार इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो यार उसमें जो मैंने SMD बोर्ड का यूज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, तो इसमें जो मैंने यूज किया है, ये जो है स्पीकर 30-30 रुपये के स्पीकर मिल जाएंगे आपको मार्केट से। और ये जो ये है, ये 100 रुपये की मिल जाएगी किट और सेल 30-30 के। तो ये 150-200 रुपये में आपका बन के तैयार हो जाएगा। और SMD बोर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये बेस अच्छी बनाता है, प्लास्टिक के अपेक्षा ये ज़्यादा बेस बनाएगा, तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है। और काफ़ी अच्छा लुक दे आ रहा है इससे, जैसे एक अच्छा सा बॉक्स हो। तो आगे आप देखते हैं कैसे ये बनेगा, तो चलते हैं। और उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलते हैं। तो सिंपली यार अपने मेजरमेंट के हिसाब से नाप लेंगे और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से मैं नाप लेता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी एक साइड में लिखी हुई। और ये इस प्रकार से पीस मैंने कट कर लिए हैं। और ये जो होल हैं, ये पेचकस की सहायता से ऐसे ही जुगाड़ करके करे हैं। और यार चिपकाने का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फेविकोल को जो है लगा लेना है। और यार क्योंकि चिपकाना काफ़ी भारी होता है, और लगा के थोड़ी सी LP से इंस्टेंट ग्लू से इसको चिपका देना है, जिससे ये चिपक जाए और बाद में वो मजबूती के लिए फेविकोल काम आए। तो इसी तरीके से सब चीज़ मैंने चिपका ली है, और स्पीकर भी इसी से चिपका लेंगे। तो ये अच्छे से बहुत मजबूत होता है फेविकोल, क्योंकि छोटे छोटे स्पीकर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए जो मैं यहाँ पर किट यूज करने वाला हूँ, ये 100 रुपये की किट मिलती है और इसी में ही सब चीज़ होती है। तो मैं इसके जैक निकाल लेता हूँ, क्योंकि जैक की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी सोल्डरिंग करूँगा। तो इसमें चिप, कार्डेटर वगैरह सब लगा सकते हैं, चार्जिंग का, ब्लूटूथ का, सभी सिस्टम इसमें होता है। और ये 100 रुपये की जो है मार्केट में अवेलेबल है ऑफलाइन, ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफलाइन जो है 100 रुपये की। तो ये मैं इस पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, जिससे जब मैं सोल्डरिंग करूँ तो मुझे आसानी हो तारों पर। तो उसके लिए मैं इन पर थोड़ा सा रंग जो है लगा लेता हूँ। तो इसमें 6 तार होते हैं 2 स्पीकरों के, तो इसमें 2 स्पीकर लगते हैं, स्टूडियो म्यूजिक इसमें होता है और 2 बैटरी के। तो सिंपली मैं इसको इस गत्ते में चिपका लेता हूँ। तो ये कट भी आप कर लेना जैसे तैसे करके, ये काफ़ी मेहनत लगती है, इनमें बारीकी का काम होता है, नहीं दिखा पाता मैं, मगर काफ़ी आसान होता है ये, कोई इतना भारी नहीं होता है, बस टाइम देना होता है। और यार मुझे वीडियो थोड़ा जल्दी बनानी होती है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ कट कर लेता हूँ फालतू की। तो यार अब देखिए 1 स्पीकर के तार जो हैं इधर लगा लेता हूँ मैं। तो 2 स्पीकरों के तार, 2 तार आते हैं स्पीकर में से, और ऐसे ही दोनों इसमें लग जाएंगे। तो सिंपली बहुत इजी कनेक्शन है इसके। तो 1 तार के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं अब 1 स्पीकर के, और 2 स्पीकर के अब कर लेता हूँ। तो काफ़ी ईजी है, और 5 वोल्ट की बैटरी इसमें लगनी है, तो मैं इसमें सेल का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो अब इन स्पीकरों के तार को जोड़कर सेल के भी तार जोड़ लेते हैं। तो काफ़ी इजी है यार, कुछ इसमें कुछ नहीं करना होता। तो बैटरी के लिए मैंने 2 सेल यूज किए हैं, तो इनको मैंने पैरेलल कनेक्शन में 3.6 वोल्ट की एक बैटरी होती है तो वही जोड़ी है। तो बस अब देखिए चल रही है, एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करने के लिए अब देखते हैं। एक बार मैंने ओपन स्पीकर इसलिए चेक करके दिखा दिया, जिससे आप कमेंट ना करो कि यार कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, चल नहीं रहा है ये। तो मैंने सभी चीज़ आपको खुली बिल्कुल दिखाई है, एक खुली किताब की तरह ये आपके सामने रख दिया है। तो अब सिंपली जो है इसे भी हम इसे चिपका लेंगे। और यार यहाँ पर मैं रिमूवेबल जैसे कभी रिपेयर करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यार इतना क्योंकि नहीं चल पाएगा, हमको पता है रिमूवेबल अगर करना होगा तो कभी भी एक किसी भी तरफ का छुटा लेंगे, तो ये इतना भी मजबूत नहीं होता फेविकोल, तो आराम से छूट जाएगा। और दोबारा सोल्डरिंग करके जो भी रिमूव है उसे रिपेयर करके आप चिपका सकते हो। तो सिंपली मैं अब पीछे का जो ये है ये भी लगा लेता हूँ। तो चलिए इसे भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, टाइम अपना ख़राब नहीं करते आपका। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितना भी काम किया है इसमें ऐसा कुछ भी टूल्स ऐसा यूज नहीं किया जो कि काफ़ी बड़ा है, ये एक बच्चा भी बना सकता है। और इजी टूल जो अपने हाथों में एक पेचकस और बस फेविक्विक का यूज करके मैंने इसे बनाया है, एक सोल्डरिंग आयरन का बस। तो ऐसा कुछ यूज नहीं किया, बाकी सब चीज़ एक देसी तरीके से, जो बिल्कुल साधारण तरीके से जैसे इसको दबाया वगैरह ऐसे ही रखा, कोई बड़े जो औजार होते हैं उनका यूज नहीं किया है। तो सिंपली अब इसे थोड़ी सी शो देने के लिए मैं ये भी लगा लेता हूँ,
और आगे एक कागज़ लगाएंगे, तो वो आगे दिखा दूंगा मैं आपको, जिससे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और ये इसकी प्लेट की सपोर्ट के लिए मैं लगा लेता हूँ, जिससे हमारी प्लेट पर कोई जैसे हानि ना पहुँचे। तो अब हमारा जो ये है ब्लूटूथ स्पीकर, ये लगभग तैयार हो चुका है। इसमें ऐसा कुछ काम नहीं रहा जो अब करने के लिए है, तो अब इसकी टेस्टिंग लेते हैं। तो तब तक यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलते हैं। ठीक है हो रहा काम। मोबाइल पर फोकस करो, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा करो। हाँ,